से आए घुसपैठियों को परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए, रातों रात पक्के कागज बनाए गए, आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया। बीजेपी ने पूरे झारखंड चुनाव में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रखा है और इस मुद्दे पर मुहर लगाती झारखंड पुलिस की एक चिट्ठी सामने आई है। पिछले साल 2 जून को रांची की स्पेशल सेल ने सभी डीसी और एसपी को चिट्ठी लिखकर इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र किया। चिट्ठी के मुताबिक घुसपैठियों को पहले मदरसे में ठहराया जाता है, इसके बाद उनके दस्तावेज तैयार करवाए जाते हैं, फिर उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, उन्हें संथाल परगना के जिले में बसाया जाता है। चिट्ठी में पुलिस ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। बीजेपी ने इसी घुसपैठ को चुनावी हथियार बनाया तो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी ने घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करके बीजेपी को मौका थमा दिया। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। गुलाम अहमद मीर की जो वो भाषा है वो दिखाती है कि कांग्रेस ने 47 में जो विभाजन किया वो फिर से संथालपुरना के इलाके को, मालदा को, मुर्शिदाबाद को, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के इलाके को पूरा मुस्लिम बाहुल्य बनाकर एक नए देश बनाने की जो है साजिश कर रही है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का सच क्या है, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज संथाल परगना के जिले देवघर के उस इलाके में पहुंचा जहां बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं। इस इलाके में ज्यादातर हिंदू परिवार हैं जो कई बरस पहले झारखंड आकर बस गए थे। क्या नाम है आपका? लकी चक्रवर्ती। लकी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, अच्छा आप कहाँ से आए हैं? हमारा जन्म यहीं पर है। अच्छा। मेरे बाबूजी लेकर आए थे बांग्लादेश से। अच्छा, कितने वर्ष पहले? वो लोग 47-48 में आ गए थे। बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है। देखना क्या है, आप सुनते हैं कान में दूसरे कान से निकाल देते हैं, जब जो सच्चाई है ही नहीं उसके विषय में सोचना क्या है? कोई घुसपैठी है ही नहीं, नहीं है। 2-3 पीढ़ियां पहले से आकर बसे कई परिवारों के साथ यहां रहते हैं, जिनके पास अपने पक्के मकान, कई दस्तावेज भी हैं। लेकिन ये लोग भी कहने लगे हैं कि घुसपैठ पूरे झारखंड की समस्या बन चुकी है। कहां से आई हैं? बांग्लादेश। मेरा पिताजी सब आए थे बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। कब आए थे? मेरा जन्म 1955 में। इनके पास यहाँ के सारे दस्तावेज हैं। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ये हम कैमरे पर दिखा रहे हैं, ये उसका दस्तावेज है। प्लस यहाँ पे भी ये लोग रह रही हैं तो उसका रसीद कटता है। ये देखिए, देवघर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देवघर होल्डिंग टैक्स का ये रिसिप्ट दिखा रही हैं। घुसपैठिए हैं इधर तो नहीं है, लेकिन जैसे अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि पाकुड़ के तरफ से, बॉर्डर के तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम से जानकारी जो है, हमारे इधर ऐसा नहीं है। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। घुसपैठिए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के वोटर माने जा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी हमलावर है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.